जो मुंबई में वड़ा पाव मिलता है उसमें जो चटनी यूज होती है ड्राई गार्लिक चटनी, वो हम आज बनाने जा रहे हैं। आइए देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। साथ ही हम इसमें गार्लिक के क्लोव्स डालेंगे। इसको एक से दो मिनट तक रोस्ट करेंगे। जब तक कि इनका कलर नहीं चेंज हो जाता। ये एक से डेढ़ मिनट हो गया हमें गार्लिक को रोस्ट करते हुए। ये आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। यहाँ पे हमने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, ये हम मिला देंगे। इसको भी रोस्ट करेंगे जब तक इसका भी कलर नहीं चेंज होता। ये आपने स्लो फ्लेम पे ही इसको रोस्ट करना है। अगर आप इसकी फ्लेम तेज रखेंगे तो ये सारा जल जाएगा। ये नारियल भी रोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका भी कलर चेंज हो गया। अब हम गैस को ऑफ करेंगे, साथ ही इसमें स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। और साथ ही रेड चिली पाउडर मिलाएंगे। इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर देते हैं। जैसे ही ये ठंडा होता है इसको भी हम पीस लेंगे और ये चटनी बनके एकदम तैयार हो जाएगी। मुंबई में जो वड़ा मिलता है, वड़ा पाव, उसमें जो चटनी यूज होती है ड्राई गार्लिक चटनी, वो हमने घर में बनाई है बहुत ही इजीली। आपने देखा ये बहुत टेस्टी चटनी बनती है। इसका आप टेक्सचर चेक कीजिए, ये देखिए ये पूरा ब्रेड क्रम की तरह लगता है। ये आप देखिए कितनी अच्छी ये चटनी बनी है। इसको आप बना के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका वड़ा पाव खाने का मन करे ये चटनी आप जरूर यूज़ कीजिए और बनाइए, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। और वड़ा पाव की रेसिपी हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, ये आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू।